स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.8। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए जल्दी शुरू करें। इसका क्वेश्चन 1 है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल अप दे रखे हैं, हमें फिल करना है, आंसर भरना है। अब समझिएगा कैसे। चलिए पहले एक एग्जांपल से समझाती हूं मैं आपको। जैसे मैं लिख दूं 2+5 इक्वल टू 5+10। सिंपल से एग्जांपल से समझा रही हूं, समझ लेंगे। ये समझ लिए तो आपको ये सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है। हम देखें 2+5 क्या होता है, 7। हमारा क्वेश्चन था 2+5 हमने किया, 2+5 कितना होता है 7। इक्वल टू मतलब होता है बराबर, 5+10। हम देखें जब भी, जैसे मैंने लिखा 6 और 6, अब इसमें से कौन सा साइन लगाएंगे हम? देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों बराबर है, तो कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू का साइन आएगा ना। अब ये जो नंबरों के बीच में, ये नंबरों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब प्लस करने पे जो आंसर आएगा वही यहाँ प्लस करने पे वही आंसर आएगा, ठीक है। जो प्लस करने पे यहाँ आंसर आएगा वही आंसर यहाँ प्लस करने पे आना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो हम देखिए यहाँ प्लस करने पे कितना आ रहा है, 7, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ भी 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ फैक्टर दे दिया, यहाँ नंबर दे रखा, क्या नंबर आएगा? तो हम देखिए 5 में से क्या नंबर प्लस करें कि 7 आ जाए। देखो 5 में क्या प्लस किया था, 2 प्लस किया था, 7 आ गया। यहाँ भी 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। देखो 2+5 7, 5+2 7, ठीक है। इस तरह देखिए हम 15+10=10। अब मैं ऐसे लिख दूं 15+10, इसका हम प्लस करेंगे तो आएगा 25। इसमें इक्वल टू का मतलब यहाँ भी आंसर क्या आएगा, यहाँ भी 25 आएगा आंसर। ये आंसर आएगा यहाँ, ये आंसर आएगा यहाँ। अब वो 15+10=25। अब 10 में क्या प्लस करें, 25 आ जाए। यहाँ क्या प्लस किया था 10 में 15, तो यहाँ भी कितना देंगे 10 में 15, 25 आएगा ना। मतलब जो नंबर यहाँ है वही सेम नंबर यहाँ होंगे, तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। जो नंबर यहाँ है वही सेम नंबर यहाँ होना चाहिए, तभी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब अपन ये सॉल्व करते हैं। चलिए देखें, ये अपनी नंबर गेम थी, इस पर ध्यान नहीं देना। अब फर्स्ट क्वेश्चन 225+375। अब इसका जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ आएगा। अब यहाँ 375 को दे दिया, क्या देना भूल गए कि दोनों बराबर आए, ये देना भूल गए, तो ये अब लिख देते हैं 245, ठीक है। इस तरह करना, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ भर दो, तो दोनों का आंसर बराबर है, ठीक है। प्लस करने पर प्लस होगा तो, ठीक है, 175 612, यहाँ 175 लिख दिया, क्या लिखना भूल गए, 612, ये भर दिए 612, ठीक है। थर्ड 436 275, इनको प्लस करना है, यहाँ 275 तो लिख दिया, सॉरी 278, क्या मिलेगा 436 प्लस 364 प्लस 85, यहाँ के नंबर यही आने चाहिए। देखो 364 तो लिख दिया, 85 तो लिख दिया, क्या बचा अपना 236 बचा ना, ये लिखते हैं 236, है ना सिंपल। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 512 180 प्लस 75 लिख दिया, प्लस 75 लिख दिया, प्लस कौन सा नंबर रह गया 512 नाउ 6 2086 प्लस 175 प्लस 10। ध्यान से देखना, इक्वल टू लगा दिया, अब जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होने चाहिए। 286 देखो 286 है क्या, 2000 है ये, ध्यान से देखो यार जीरो है, अगर जीरो नहीं लगा फिर बीच में नंबर लाया गई 2086, देखो 2086 यहाँ है, 2086 यहाँ लिख दिया। अब हम देखें 175 यहाँ है क्या,
है कोई, दोनों नंबर तो हो गए, यहाँ पे भी दोनों नंबर हो गए। अब ये नंबर बचा है, ये नंबर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, अपन लेते चले। जो तीन नंबर है यहाँ भी तीन नंबर है, आगे हो जाए पीछे इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस करने का, ठीक है। तो ये हमारे मतलब सिक्स का कंप्लीट है, और आगे हम करते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर सेवन, 356 प्लस जीरो, जब भी हम किसी नंबर को जीरो से प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, जो नंबर है वही आता है। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 356। अब 212 प्लस 546 प्लस डैश इक्वल टू में 36 प्लस डैश प्लस डैश। अब जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ आएंगे, तो जो नंबर नहीं लिखेंगे वो लिख देते हैं। हम देखते हैं 36 से यहाँ 36 सही है, ये लिख दिया हमने 36। अब यहाँ 36 है, यहाँ ये दोनों नंबर नहीं है, चलो लिख देते हैं 212 और 546। अगला देखते हैं 378 प्लस 1, और इधर 1 दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, 378। तो चलो हम 378 लिखकर इसको सही कर देते हैं, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ। लास्ट वाला 4156 प्लस 1, कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, हमने 1 लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है, और एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट, और चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 4।